कराची के इलाके न्यू रिजविया सोसाइटी में पुलिस और रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन के दौरान फैसल रजा आब्दी को उनके घर से हिरासत में ले लिया। जराए के मुताबिक तफ्तीश के लिए उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि घर की तलाशी भी ली गई है। फैसल रजा आब्दी शोला बयानी के साथ एक जज्बाती सियासतदान भी हैं। आप 113/2005 के तहत दायर किए गए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की फिरौनियत के खिलाफ मेरे केस में आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टेबल करने का वादा किया था, और आज मुझे एक साल हो गया यहाँ के धक्के खाते हुए, जिसमें 17 बार मैंने एहतजाज किया। 12 अक्टूबर 2012 को उन्होंने खुदकुशी करने की धमकी भी दे दी थी। उनका कहना था कि अगर उन्हें सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सबूत अपने साथी सेनेटर्स को दिखाने का मौका ना दिया गया तो वो अपने सर में गोली मार लेंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर एक मुकद्दस हॉल सेनेट अपने सेनेटर को इंसाफ ना दे तो मैं कहां जाऊं? क्या मैं बंदूक उठाऊं? क्या मैं भी रोड पे एजिटेशन करूं? आप किस कानून के तहत मुझे रोक सकते? इस तरह एक बार उन्होंने ऐलाने जंग कर दिया था। 7 जुलाई 2012 की बात है, वो जजों के बारे में सीखपा हो गए थे। कहने लगे, जज सैकड़ों कातिलों को रिहा करने के अलावा कत्लोगारत पर बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं।